बैंक में अकाउंट ओपन करवाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अपने जमा किए हुए पैसे की सेफ्टी और साथ साथ मिलने वाले अदर बेनिफिट्स, जैसे कि जमा किए हुए पैसे पर इंटरेस्ट का मिलना, जब पैसे की जरूरत हो आसानी से किसी भी बैंक एटीएम या बैंक की किसी भी ब्रांच से पैसा निकाल लेना, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के जरिए पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर पाना, यूटिलिटी बिल्स का आसानी से भुगतान कर पाना और इस तरह के काफी सारे अदर बेनिफिट्स। पर ये सारी फैसिलिटीज का लाभ बैंक का अकाउंट होल्डर तभी उठा सकता है अगर बैंक में उसका जमा पैसा सेफ हो, सुरक्षित हो। आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि अगर आपका बैंक घाटे में चल रहा हो और उसके लॉस से उबरने के आसार भी ना हो तो उस बैंक को बंद भी करना पड़ सकता है। बैंक ऑफ राजस्थान, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, लॉर्ड कृष्णा बैंक और हाल ही में साल 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जैसे कई बैंक रातों रात बंद हो गए। दोस्तों, अगर आप गूगल पर लिस्ट ऑफ इंसॉल्वेंट बैंक्स इन इंडिया सर्च करेंगे तो आपको दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट हुए बैंक्स की एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। हम लोग चाहे कितने ही पढ़े लिखे और समझदार क्यों ना हो, लेकिन किसी बैंक की आंतरिक स्थिति यानी कि इंटरनल पोजीशन का सही सही जायजा पता लगने के पहले ही बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया होते देखा गया है। जब कभी भी बैंक फेल होता है तो DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बैंक के डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए तक वापस करने की गारंटी देता है। फरवरी 2020 के पहले तक ये रकम सिर्फ 1 लाख रुपए ही होती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट से एक चौंकाने वाली बात पता चली है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की समाप्ति तक बैंकों का कुल इंश्योर्ड डिपॉजिट सिर्फ 76 लाख करोड़ रुपए ही था, जो कि टोटल एसेसेबल डिपॉजिट 150 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ 51% यानी कि 51% ही था। ये डिपॉजिटर्स के लिए बेहद हैरान कर देने वाली खबर है कि 74 लाख करोड़ रुपए यानी कि 49% के करीब की जमा पूंजी पर किसी भी तरह का इंश्योरेंस कवर था ही नहीं। अगर थोड़ा खुलकर बात करूं तो जमाकर्ताओं की ये 74 लाख करोड़ रुपए की जमा राशि पूरी तरह से अनसेफ पाई गई। शायद आप ना जानते हो कि DICGC, जिसे मैंने बताया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कवरेज के लिए बैंकों से एक मोटा प्रीमियम वसूल करती है। चलिए एक एग्जांपल के जरिए आपको इस बात को समझाऊं तो पूरी बात हर सुनने वाले को यानी कि इवन एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी समझ लग जाएगी। मान लीजिए आपके पास किसी बैंक में जमा पूंजी सिर्फ 25 लाख रुपए है और किसी कारणवश आपका बैंक रातों रात बंद हो जाता है, तो ऐसे में आपको DICGC जो कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कवर देता है उसकी तरफ से अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो बैंक में अपनी पूरी की पूरी 25 लाख की हार्ड अर्न्ड मनी डिपॉजिट की थी। तो इसका आंसर है कि आपका शेष बचा हुआ 20 लाख रुपया उस पर किसी भी तरह का इंश्योरेंस कवर ना होने के कारण वो डूब जाएगा। ऐसे में आपके मन में सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि ऐसे में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पूरे का पूरा 25 लाख रुपया मेरे को मिल जाए, मुझे मिल जाए। सो दोस्तों, इसके लिए जहां आपकी जमा राशि कम हो, जैसे कि आपकी जमा राशि 20 से 25 लाख रुपए के आसपास है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5-5 लाख रुपए की राशि अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट कर सकते हैं।
इस उदाहरण को थोड़ी डिटेल में बताऊं तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 25 लाख रुपए की जमा राशि है तो आप 5 लाख रुपया एक्स बैंक में, 5 लाख रुपया वाई बैंक में, 5 लाख रुपया जेड बैंक में, 5 लाख रुपया ए बैंक में और 5 लाख रुपया बी बैंक में। तो इस तरह से 5 अलग अलग बैंकों में 5-5 लाख रुपए की राशि आप जमा कर सकते हैं। ऐसे में होगा ये कि अगर इनमें से कोई भी बैंक बंद हो जाए तब भी आपको अपना जमा पैसा DICGC की तरफ से पूरा 100% मिल जाएगा। हाँ, अगर आपकी जमा पूंजी हायर साइड पर है, जैसे कि 1.5 करोड़, 2 करोड़ या इससे भी ज्यादा है, तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि आपको अपना अधिकतर पैसा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले दिग्गज बैंकों, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों में डिपॉजिट करना चाहिए। दरअसल ऐसे बैंक देश की पहचान और गुडविल के सिंबल होते हैं, और किसी भी तरह की अनहोनी की परिस्थिति में गवर्नमेंट ऐसे बैंक्स को उभारने के लिए पूरा सहयोग भी करती है। यानी कि ऐसे बैंकों को सरकार कभी डूबने नहीं देती, सरकार की तरफ से पूरा भरसक प्रयास होता है कि ऐसे बैंक फिर से रिवाइव कर जाएं, फिर से ऑपरेशनल हो जाएं और इनमें कोई भी किस तरह की दिक्कत पैदा ना हो। इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसे बैंक्स में आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट की सेफ्टी तुलनात्मक रूप से हायर साइड में होती है। अब यहां मैं तुलनात्मक रूप से मैं ये तुलना कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर बैंक से। दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जिसे हमने बेस्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर बनाया है, इसलिए कोई भी डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये इंफॉर्मेशनल वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए